तो भाई मंदिर की ना लाइट एकदम चेंज हो रही है, अभी गौर से देखना आप लोग। फाइनली मैं बहुत करीब आ गए मंदिर के, अब देखो समझ सकते हो कितने पास आ गए, बहुत काफ़ी पास है। अभी ना लाइट चेंज होगी, देखना अभी आप लोग जो देखो चेंज हुई, नीचे वाली चेंज हुई भाई। फाइनली हम लोग आ गए चढ़ाई करने के लिए और अभी जा रहे हैं ऊपर अभी, तो ये बांध लिया यहाँ पे, चलो नहीं जा रहा हूँ, चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है तो जबरदस्त है ना, तो लल्ला को तो उसमें बिठा दिया रियांश में, रियांश को उसमें पाली में, तो आप आराम से पहुंच जाएंगे। हम लोग तो चले जाएंगे, अगर लल्ला होगा तो ना उसको गोदी लेना पड़ेगा, इस वजह से और थक जाएंगे, जा नहीं पाएंगे फिर, इसलिए। अरे हाँ ये देखो हनुमान जी कितनी मूर्ति है, बड़ी मूर्ति है। जोर से बोलो सारे, बोलो जोर से बोलो सारे, बोलो मैं नहीं सुनिया, जोर से बोलो सारे, बोलो जय माता दी, 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 तेरो वाली वैष्णो रानी। क्या नजारा है, ऊपर देखो पार्क तो गजब को लग रहे हो यार, है ऊपर यहाँ से देखने में अति सुंदर। आगे देखें भैया, से जो नज़ारा देखते बहुत ही गजब का देखते हो, कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं एकदम सामने, कितना अच्छा लगा। बोले यहाँ बहुत बढ़िया मौसम है एकदम, आज धूप है हल्की पर अभी ना ये थोड़ी कम हो गई, अभी धूप चली गई है। मतलब क्या नज़ारा है यार, देखो वैसे मैं पूर्णागिरी भी गया हूँ, वहाँ पे ना ऐसी चढ़ाई नहीं है, मतलब यहाँ पे ना पूरी प्लान तो है थोड़ी ऊँची है, वहाँ पे बिल्कुल ऐसी बनी है एकदम प्लान, नीचे 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 हल्की थोड़ी थोड़ी ऊँची है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ है ऐसी बिल्कुल चढ़ाई है, जो सड़क ये वाली जो ऊंचाई है ऐसी सड़क बनी है, वो बिल्कुल इटावा में ना ऐसी बनी, बिल्कुल इटावा में, इटावा में मेरी बुआ का घर है, वहाँ पे ना बिल्कुल चढ़ो तो बिल्कुल सेम ऐसी ऐसी चढ़ाई है वहाँ पे घर पे, मतलब सारी गली बनी तो ऐसी ऊंची ऊंची एकदम गली बनी है वहाँ पे। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं ना सेल्फी पॉइंट में, ये सेल्फी पॉइंट और यहाँ पर ना बहुत फ़ोटो खींची जाती हैं, जैसा कि अब मैं खुद खींचने वाला हूँ। ठीक है भैया, ये जाने कहाँ रह गए, आ रहे हो अभी। तो बस थोड़ी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, अर्ध कुमारी तक पहुँचना, उसके बाद भी चढ़ जाएंगे क्या है भाई, बस थोड़ी धूप ना निकले, मौसम ऐसे ही बना रहता तो ठीक है। जाना कहाँ गए,
और पीछे यहाँ से मौसम देखो एकदम, देखो तो नज़ारा एकदम गजब का नज़ारा है ये पीछे, है ना। पीछे पहाड़ी पहाड़ दिखे तुम्हें, ये जाली सेफ्टी के लिए लगाई लगी है यहाँ पे एकदम। और तो फाइनली अर्धकुमारी तक पहुँच गए, बस थोड़ा रह गया। और यार मैं पावर बैंक लाना भूल गया, मतलब रूम पे रखी थी मैंने, सोचा था बैग में रख लूँगा, तो पावर बैंक तो वहीं पे छूट गई। तो फ़ोन हो गया डिस्चार्ज बिल्कुल, अभी 10% बैटरी है, तो सोचा तुम्हें बता दिया जाए। अभी अर्धकुमारी पहुँच गए हैं, अभी फिर देखते हैं क्या करना, चार्ज आज कहीं लगा पाए फ़ोन फिर जान क्या हुआ। हाय हाय बोल दो, हाय 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 बोल दो, हाय नहीं बोलियो, हाय बोल दो। लोग चल चल के थका, तो रियांश बैठे बैठे थक गए गाड़ी में। ये है जीने वाली रास्ता, यहाँ से लोग जीने से आते हैं जो अर्धकुमारी को, जो ये है अर्धकुमारी आ गया मंदिर यहाँ पे। और नीचे देखो कितनी, मतलब वो दिख रही है पूरी, वहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो बहुत नीचे। यहाँ पे देखो सारी जो बिल्डिंग छोटी छोटी सी दिख रही है बिल्कुल नए नए, एकदम चिटी ऐसी। वेलकम टू अर्धकुमारी। हम लोग आ चुके हैं अर्धकुमारी में, ये देखो आदमी आ गई भी क्या हमरा की पता कहां पे है। ये यहां पे ना भीड़ पड़ी बहुत ज्यादा, भीड़ है यहां पे ना, लल्ला भूलिएगा, ये लल्ला भी आ गया। यहां कैसा लग रहा तुम्हें, हैं टेंगे 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 हो गई लल्ला की है। यहाँ पे ना बहुत सारी भीड़ है दोस्त, और यहाँ पे ना जो अर्धकुमारी के दर्शन है देवी मैया के, तो उनके ना चार चार दिन पड़ जाते हैं लोग दर्शन करने के लिए। ये देखो यहाँ पे कितनी भीड़ पड़ी है, सारे लोग अपने बिस्तर लगाए हैं पूरी सारी, ये देखो। ऊपर होटल भी है ऊपर है यहाँ पे, है अर्धकुमारी जो माता रानी का जो गुफा है, जो उसमें गुफा में है, मतलब दर्शन यहाँ पे होते हैं। ये है गर्भ जून आरती दर्शन बोलर लिखा है यहाँ पे, गर्भ जून गुफा यहाँ है। देखो इतनी यहाँ पे इतनी बड़ी एलईडी चल रही है, यहाँ पे ना माता रानी की थोड़ी सी गुफा दिखाई जाती है, और गुफा के कहते हैं कि कोई भी कितना ही मोटा आदमी हो वो निकल जाता है उस गुफा से। चले भाई, ऊपर का जो नज़ारा बहुत गजब का है यार, देखो वो रे वो। हम लोग ना इस साइड से आए हैं इस वाली गुफा से, ये लिखा वे टू भवन, भवन का रास्ता। तो हम लोग इलेक्ट्रिक यहाँ पे चलते हैं वाहन, उस रोड से आए हैं, ठीक है। तो यहाँ अंदर आ गए गुफा से, इससे अर्धकुमारी से तो आ चुके हैं, अब जा रहे सीधे भवन माता रानी के दर्शन करने के लिए। और वहाँ के दर्शन तो होने नहीं है अर्धकुमारी के, क्योंकि वहाँ पर ना बहुत भीड़ होती है और लाइन लगती है, नंबर लगते हैं तीन तीन चार चार दिन के। तो अभी जा रहे हैं भवन के लिए, ये है भवन का रास्ता। वहाँ से उतर के ना दो रास्ते दिखाए थे मैंने, तो वो एक रास्ता ना यहाँ पे ये भवन के लिए जाता है। यार देखो ये यार तुम लगे यार हैं, हाय यार देखो, हेलो करो, हेलो करो, हेलो रियांश को मुँह लटक गो, जबकि चलो ना वो नहीं है ज़्यादा, थक गई हैं, नहीं थकी। हाँ तुम बताओ थके या नहीं थके, जैसा डाओ जैसा तैयारी। हाँ वो देखो गाइस हेलीकॉप्टर जा रहा, दिखाएगा तो। तो गाइस तुम्हें वो दिख रहा होगा लास्ट में एक झोपड़ी जैसी, ये यहाँ से गया रास्ता वो है, ठीक है वो वाला। तो उससे ना उसके पीछे घूम के और जाना, अभी फिर जाएंगे ना माता रानी के भवन को। ये तारा कोट वाला रास्ता और जे है नीचे तारा कोट का रास्ता,
ये वाला। यहाँ से मतलब नज़ारा देखो गाइस बहुत बढ़िया है। सामने देखो तुम्हें नदी दिख रही होगी, नदी है वो देखो, जैसे पूर्णागिरी में दिखती है ऊपर से देखने पर वैसी शारदा नदी दिखती है, वैसी वहाँ पे भी एक नदी दिख रही। तो थोड़ा अभी और चलना पड़ेगा, अभी 3-4 किलोमीटर और है, फिर उसके बाद ना पहुँच जाएंगे। तो और यहाँ ध्यान देखो कैसे बैठे, यहाँ पे बंदर बहुत हैं, सामान ले जाते हैं कहीं चश्मा वश्मा कुछ, और बहुत बचा के रखना पड़ता है। अंगोछा डाले गर्मी के मारे, गर्मी तो अच्छी है, चलो समय पर नॉर्मल है, सही है, मौसम बढ़िया है एकदम गजब को। तो आज ऊपर हेलीकॉप्टर भी जा रहा था, मैं आपको दिखा नहीं पाया यार, भाई दिखा देगा, चलो ऊपर देखेंगे फिर से देखेगा। नीचे से ना कटरा से हेलीकॉप्टर भी जाते हैं ऊपर वैष्णो देवी के लिए, और अभी दिखा था पर क्लियर नहीं हुआ कैमरा, वहाँ पे ना वहाँ से निकल गया एकदम हेलीकॉप्टर। यार हमने देख लिया था पर तुम्हें नहीं दिखा पाए। वो देखो हेलीकॉप्टर तुम्हें दिख रहा होगा है ना, वो जा रहा सामने हेलीकॉप्टर जा रहा वो, ये देखो नीचे कटरा से ना ऊपर हेलीकॉप्टर भी जाता है कटरा से ऊपर तक है, सानी छत का वो देख चला गया भाई। तो आज मैंने फाइनली मैंने तुम्हें हेलीकॉप्टर दिखा ही दिया, ठीक है। तो आप ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को, ठीक है। देखो मैं मतलब 3-4 बार निकल चुका नीचे से ऊपर हेलीकॉप्टर, फिर दिखा नहीं पाया मैं, फिर भी ना आखिरी बार में मैंने तुम्हें दिखा दिया, पता है तुम लोगों ने देखा होगा, भाई जिनने नहीं देखा उनके लिए है, ठीक है। तो वो देखो नीचे से एकदम उठ के आता है वहाँ से, नीचे से बिल्कुल कटरा से और ऊपर तक जाता है मंदिर तक, एकदम माता रानी के मंदिर ऊपर जाता है पूरा। तो फाइनली तुम लोगों ने देख लिया आज हेलीकॉप्टर। अब इसी बात पे ना लाइक कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो अभी चलते हैं, थोड़ा रास्ता भी बहुत बाकी है, ऐसे धीरे धीरे ब्लॉग आपको दिखाते रहेंगे आगे, क्योंकि रास्ता रोड ना एक जैसा है इसलिए कुछ अलग नहीं है, तो कुछ अलग होगा एकदम डिफरेंट, तो तुम्हें ब्लॉग में दिखाएंगे एकदम कुछ अलग होगा, तो वरना रास्ता तो एकदम एक सेम जैसा है। देखो अभी मैं नीचे से आया और यहाँ तक पूरा सेम है। तो फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं तुमसे आगे थोड़ी देर में, ठीक है। तुमने हेलीकॉप्टर देखा कैसा लगा? अच्छा अच्छा देखा है, हैं? हाँ। तो नहीं लग रहा, पूछ तो रहे थे भाई, तुम कह रहे पूछ कि हेलीकॉप्टर कहाँ गया, देख लिया तुमने? चलो तो रियांस ने हेलीकॉप्टर देख लिया आखिरकार, हमें लगा देख नहीं पाया। चलो फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। जय माता दी। अब वो तो एक बार हेलीकॉप्टर देख चुका है, बहुत छोटे यार बैसो है यार, जूम ने बैसो बिगड़ रहो यार धंधो। तो गाइस ये देखो, तो ये तुम्हें देखा होगा हेलीकॉप्टर जा रही है, देखो तो ये गया सीधे ऊपर। तो भाई ये देखो लंगूर, यहाँ पे ना बहुत सारे लंगूर है, और मोबाइल और छीन लेते हैं भाई, जो देखो सामने बैठा देख, जो देखो ये बैठा सामने, 2-3 है देखो ऑनलाइन से बैठे, दिख रहे होंगे तुम्हें है ना, कितने सारे लंगूर है। चलो तो यहाँ पे देखो गाइस कितने ऊपर बैठे, ये देखो ऊपर ऐसे ऊपर बनी है ये रेलिंग, इसी में देखते रहते हैं सारे, वो देखो एक आ रहा, वो हम पकड़े हैं जोर से, देखो ऊपर दिख रहा होगा, ऊपर बैठे हैं, अच्छी मोबाइल छीन लेते इसलिए हम अंदर रख ले, ठीक है गाइस। ये देखो ऊपर बैठे, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अभी हेमकोटी, और जो हेलीपैड है ना थोड़ी दूरी पे है, हेलीपैड भी ऊपर और यहाँ क्या हुआ, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर कितने बार देखा, चले चलो बहुत बड़ी बड़ी है ना तो बहुत बड़ी बड़ी हेलीपैड देखा उसने हेलीकॉप्टर है ना। तो अभी ना यहाँ से तो बहुत पास दिखेगा, अभी देखना ऊपर चल के तुम्हें दिखाएंगे एकदम क्लियर व्यू दिखाएंगे हेलीकॉप्टर का, ठीक है।
तो बस अभी ना हम लोग हिमकोटी में, यहाँ पे ये भोजनालय है, ऐसे बैठे हैं रेस्ट करने के लिए थोड़ा, तो आप चलते हैं। चलो आ जाओ, चलो। तो हे गाइस, तो फाइनली हम लोग बस थोड़ी दूर और रह गया, थोड़ा कितना लगता है, कितने लोग हमें आठ सौ 827 मीटर देखा था आगे पीछे लगा था बोर्ड उसमें, तो 800 कुछ, 1 किलोमीटर मान लो, 1 किलोमीटर और रह गया बस। और भाई इतना मतलब यहाँ पे जो ना शाम हो रही है एकदम, व्यांस देखो व्यांस, मज़े आ रहे हैं व्यांस को, बहुत मज़े आ रहे हैं, मुझे भी बहुत मज़े आ रहे हैं। और ये देखो मैं बैक कैमरे से, ये देखो मेरे पीछे सूरज होने वाला है थोड़ी देर में, अभी ना अभी फिर भी बहुत ऊँचा है वह भाई, अभी टाइम हो रहा 7:30 बज रहे हैं और फिर भी यहाँ पे धूप है अभी, जबकि मेरे यहाँ 7:30 बजे ना अंधेरा हो जाता है बिल्कुल भी। तो हम लोग रुके एक भोजनालय में, तो यहाँ पे पिए कॉफ़ी, क्योंकि ना चलते चलते एकदम थकान हो जाती है, कॉफ़ी पिए थोड़ी यहाँ से, अब बस अब चढ़ेंगे चढ़ाई पे फिर से, कॉफ़ी पी ली थोड़ा आराम मिलेगा और नींद नींद नहीं आएगी, थोड़ा आलस नहीं आएगा, इसलिए चलो फिर चलते हैं फिर से चढ़ाई पे। तुम्हें दिखाते हैं अभी कितना बच्चा है ऊंचाई, चढ़ाई कितनी है, वो देखो वहाँ लाइट दिख रही है तुम्हें, वहाँ तक जाना है अभी, वहाँ है मंदिर, अभी यहाँ से जाएंगे। अभी रात के 8 बज गए, फिर भी ना ज़्यादा अभी अंधेरा नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा हुआ, और लाइट आइट सारी जल गई हैं अभी रास्ते में, देखो। चलो फिर तुम्हें मिलते हैं वहीं पे पहुँच के मंदिर ऊपर, ठीक है, चलो मिलते हैं फिर, जय माता दी। सामने दिख रहा है बिल्कुल वो है मंदिर, वहीं पे जाना है, ठीक है, अब यहाँ से जाएंगे हाल पहुँच जाएंगे, चलो चलते हैं फिर। हम लोग कहाँ सोच रहे थे, वो आलू हैं, वो सोच रहे थे वो भैरव बाबा को है, खरे को जाने था ही। तो ये है माता रानी का मंदिर, ऊपर जाके वो दिख रही है लाइन, वहाँ पे जाएंगे तो ऊपर है भैरव बाबा का मंदिर, हाँ तो ऊपर चल के भैरव बाबा का मंदिर, और ये सामने मैंने दिखाया आपको वो है वहाँ पे माता रानी का मंदिर। तो रियाज मजे आ रहे हैं, रियाज मेरे ऊपर चढ़ा है अभी, चढ़ा लिया क्योंकि थक गया है वो, तो चलते हैं फिर, मिलते तुमसे, जय माता दी। मोबाइल ले जाना, अंदर अलाउ नहीं है तो, वरना मोबाइल हो जाएगा जमा, है मोबाइल जमा हो जाएगा फिर नहीं मिलेगा, तो इसलिए ना तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, अभी ऊपर देखते हैं ऊपर जाके क्या है। तो कोई मंदिर की ना लाइट एकदम चेंज हो रही है, अभी गौर से देखना आप लोग, फाइनली मैं बहुत करीब आ गए मंदिर के, अब देखो समझ सकते हो कितने पास आ गए, बहुत काफ़ी पास है, अभी ना लाइट चेंज होगी देखना, अभी आप लोग जो देखो चेंज हुई, नीचे वाली चेंज हुई भाई, यहाँ पे ना हर एक लाइट चेंज होती है कलर एकदम, हाँ। तो फाइनली अभी लोकल रूम तक आ चुके हैं हम, तो भाई फाइनली मैं नहा धो के हो गया हूँ रेडी, ये देखो मैंने ना कपड़े चेंज कर लिए और नहा भी लिया, और सब लोगों ने नहा लिया, ये देखो कौन तो लिया भाभी आभी सब ने नहा लिया है, कपड़े चेंज कर लिए और सारे लोगों ने कपड़े चेंज कर लिए और नहा लिया, पानी यार इतना ठंडा था भाई, ये है जो ये सारे जेंट्स निकल रहे, ये जेंट्स का वॉशरूम है और उस साइड ना लेडीज़ का है, मतलब रोड से आते ही एकदम लेडीज़ का और इस साइड जेंट्स का है, तो सब ने नहा लिया एकदम, पानी भाई इतना ठंडो है, तो मतलब जैसे गए हैं बस भाई गीले नहीं हो पाए सही से, ऐसे ही निकल आए थोड़ी देर में कहीं में एकदम जल्दी, मतलब सिर गीला हो गया और हल्का पानी गिर गया पूरे बॉडी पे शरीर पे गिर गया, बस भाई तो ठंडो है तो पानी बाटे बाद निकले नहाए नहाए के कपड़ा सब बदल लेंगे, अब जाइए लॉकर में रखेंगे जाके ये सब जूते सामान बैग सब रख देंगे जाके, फिर तो उसके बाद जाएंगे सीधे चढ़ाई पे, वहाँ से लाइन लग रही है तो माता रानी के जो दर्शन करने के लिए ना लाइन लगाई गई है, तो उसी लाइन में लगना है और फिर माता रानी के दर्शन करने जाना है, तो माता रानी के दर्शन करके फिर सीधे जाएंगे ऊपर से भैरव मंदिर पर, भैरव बाबा के मंदिर पर जाके फिर सीधे नीचे आएंगे कटरा के लिए, फिर जाएंगे घर पर, मतलब फिर नीचे आएंगे कटरा,
तो चलो अभी हमें जाना है कहाँ पे, लॉकर में जाना है। पहले तो लॉकर में ना जमा करने जाना है सामान, तो वो जमा करने जा रहे हैं। तो गाइस फाइनली मेरे पीछे देखो, मैं तुम्हें जो नया पुल बनाया मतलब जो दर्शन करने के लिए वो दिखाता हूँ। तो गाइस वो नीली नीली जो लाइट पट्टी सी दिख रही है वो नया पुल बना है। उसमें क्या है, वहाँ से ऊपर से लाइन लगाई जाती है और उसमें यहाँ से चल चल के ऊपर 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 इसके ऊपर ऊपर अंदर से लाइन वो लाइन जा रही है, वहाँ से दर्शन कराए जाते हैं। मतलब वहाँ पे वो दर्शन वाली लाइन है वाली, वहाँ पे वो नीली नीली जो पट्टी जैसी देखो सामने, देखो जूम करके दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लियर नहीं है भाई। तो गाइस क्लियर नहीं है पर बहुत बढ़िया। तो ये ना लाइन अभी चलेंगे फिर देखेंगे, अगर मोबाइल वैसे लॉक यहाँ पे जब हो जाएगा, अगर नहीं हुआ ना मतलब मेरे पास जब तक मोबाइल है जमा नहीं हो रहा है तब तक मैं ब्लॉग बनाता हूँ, मतलब बनाता रहूँगा ठीक है, और तब तक आपको दिखाता रहूँगा कुछ ना कुछ अलग ठीक है। और ऊपर देखो यहाँ पे जो लाइट एकदम है, लाइट कितनी मतलब गजब की लग रही है, एकदम पहाड़ पे ऊपर देखो कितनी मतलब पूरे पहाड़ पे एकदम नीचे तक लाइट है, और नीचे भी नहाने की व्यवस्था है देखो, सब लोग नहा रहे हैं। तो सब लोग तो एकदम नहा धो के रेडी चलते हैं, फिर मिलते हैं ठीक है। बाय बाय, जय माता दी, बोल दो जय माता दी, जय माता की, जय माता दी, जय माता की। तो आज हम लोग जा रहे हैं श्रीनगर, और अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने रूम से, मतलब कटरा में जो रूम था ना वहाँ से हम लोग ना चेकआउट हो चुके हैं, और रूम चेकआउट करके सीधे अब निकले हैं, गाड़ी को बुक किया है, तो अब जा रहे हैं सीधे श्रीनगर। हाँ कहाँ जा रहे हो रियांश? ट्रेन पे। हैं? ट्रेन में नहीं जा रहे हैं। ट्रेन पे। टिटिटिरो माहे। टिटिटिरो माहे। टिटिटिरो माहे।